तुम्हें चार लाइनें देता हूं, सुनिएगा कि सोचा था जीत लेंगे युद्ध लोकसभा का, अफसोस 5 साल फिर ये कैसे कटेंगे, मुश्किल से लेके आए हैं 99 सीटें, वो भी तो झूठ बोल कर की पैसे बटेंगे, मुश्किल से लेके आए हैं 99 सीटें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वो भी तो झूठ बोल कर की पैसे बटेंगे। समस्या की पॉलिटिक्स वाले पंडितों को भी कहां पता था सारे परिणाम सोच के उलट आएंगे, देश के तमाम लोगों को भी था भरोसा यही मोदी जी विरोधियों से भी निपट आएंगे, किंतु कुछ ने तो कांग्रेस को दिया था वोट 8,500 खटाखट खट आएंगे, 8,500 नहीं, तालियां तो चौथी पंक्ति बननी चाहिए, कौन जानता था जब लाइनें लगेंगी तब पैसे देने वालों के रुमाल फट जाएंगे, पैसे देने वालों के। उपाध्याय जी, करते अभय मुद्रा की बात, युवराज संसद में आप खूब फोटो दिखलाते हैं किंतु किसी धर्म से ये तुलना किए न कभी, कट्टरपन कौन कब अपनी दिखाते हैं, अन्य किसी भी धर्म में कोई भी बुराई दिखे देखकर भी ये मुंह खोल नहीं पाते, अन्य किसी भी धर्म में कोई भी बुराई दिखे देखकर भी ये मुंह खोल नहीं पाते हैं, एक पक्ष पर ही बस साधते निशाना आप, क्यों दूसरों पे कुछ बोल नहीं पाते, बहुत बढ़िया ये सवाल है, एक पक्ष पे ही सिर्फ साधते निशाना आप, क्यों दूसरों पे कुछ बोल नहीं पाते हैं, वोट बैंक खराब हो जाएगा इनका, सहिष्णु है सभी ये, तुम इन्हें हलकान मत करो, मजहब से किसी तुलना श्रीमान मत करो, बालक सी बुद्धि है तो घर पे खेलना लूडो, संसद में हिंदुओं का तो अपमान मत करो, बालक सी बुद्धि है तो हम करते हो ये पेपर लीक मुसीबत तो हो ही रहा है ना, आपसे भी पूछते होंगे लोग, किशोर जी पेपर लीक वास्तव में गंभीर मामला है और सरकार ने इसका तुरंत संज्ञान लिया, पहले तो आपने कहा हुआ नहीं, और देखिए जब वस्तुस्थिति सामने आई सरकार ने संज्ञान लिया और पहली बार देश में नकल विरोधी संसद में इसका सत्र नहीं था, राष्ट्रपति के माध्यम से नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया और सरकार पूरी तरीके से सजग है, और अगर हम देखेंगे तो पेपर लीक की जो सारी कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है, जब उसकी पूरी जांच हो रही है और पहला जो वाक्या सामने आया वो तेजस्वी यादव के सचिव या जो भी उनके OSD रहे होंगे, ये वहाँ से मामला शुरू हुआ, एक बात पक्की है, पकड़ लो ना उनको, प्रधानमंत्री जी ने संसद में हाँ पकड़ेंगे ना, कोई नहीं बचेगा, प्रधानमंत्री जी ने कल भी संसद में कहा और परसों भी संसद में कहा कि कोई भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, ये सरकार फिर वही कहानी वही गाना वही गीत वही बता तो रहे हैं, तेजस्वी यादव के सचिव हैं उनको तो पकड़ना चाहिए ना, आपने भी पूछा है वो पकड़ के बताना चाहिए नहीं, बट सच्चाई ये है कि NTA का चेयरमैन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में पहले जब वो आदमी चेयरमैन था वहाँ भी बहुत सारे घपले घोटाले हुए, व्यापम जब मध्य प्रदेश में वो व्यक्ति था वहाँ भी घपले घोटाले हुए, कोई कार्रवाई नहीं, क्या पता प्रधानमंत्री जी और भाजपा को क्या हो गया है, बच्चों के हित की बात हो, किसानों के हित की बात हो, श्रमिकों के हित की बात हो या महिलाओं के हित की बात हो, हर जगह हठधर्मिता क्यों, आपको शासन में लोगों ने क्यों लाया कि भाई आप हठधर्मिता छोड़ें, आपके राज्यों में आपके राज्यों में भी तो पेपर लीक हुए, हुए हमने कार्रवाई की है अस्पष्टता के साथ की है, ऐसा नहीं है कि 24 लाख लोगों के बच्चों के नीट के बच्चे थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और कार्रवाई के नाम पे लीपापोती हो रही है। प्रवीण भाई गुजरात में इनकी एक सीट नहीं आनी एक नहीं, अब की बार जब आगे इलेक्शन होंगे, ये जो मैंने अभी सुनाई थी ना ये वहीं तक थी बस, क्योंकि मानसून का मौसम था ना बरसात में, पलटने के बाद हर आदमी का यही वाक्य हो तो भाई वो बरसात की थी, मानसून खत्म हो जाएगा काहे की सीटें तो ये हाँ। एक बात तो अनिल भाई सर एक बात माननी पड़ेगी, आपकी कला कौशल सबकी ना बड़ी जबरदस्त है, हाँ जब इधर हो तो वो भी याद किया दो, इधर हो तो भी बात कोई बात ही नहीं, फिर भी कोई जभी तो टिकट नहीं मिल रही हमें के ओरे पंजे 99 सीटें इनकी, लेकिन पहले ही बात बार में क्या हल मचाया इन्होंने, के ओरे पंजे हो सुनो
ओरे पंजे तुझे कैसा छाया नशा, म्यूजिक ये जरूरी है, पैरोडी गंभीर है ना, कि ओरे पंजे तुझे कैसा छाया नशा, हो जाएगी फिर से तेरी वही दशा, के ओरे पंजे तुझ पे कैसा छाया नशा, अरे हो जाएगी फिर से तेरी वही दशा, अरे हिंदुओं पे बोलोगे तो देंगे मिटा, ओरे पंजे हो ओरे पंजे, अंतरा सुनो, के झाड़ू पंजा और साइकिल को ढूंढते रह जाओगे, भगवे की आंधी में तुम सारे बह जाओगे, झाड़ू पंजा और साइकिल को ढूंढते रह जाओगे, भगवे की इस आंधी में तुम सारे बह जाओगे, अरे ढूंढे ना मिलेंगे दीदी चाचा बुआ, ओरे पंजे हो ओरे पंजे तूने कैसा छाया नशा, अरे हो जाएगी फिर से तेरी वो ही दशा, इसलिए संसद में कोई बात कहो आपस में लड़ो, लेकिन अगर हमारे तिरंगे के लिए हमारे देश के लिए हमारे हिंदुत्व के लिए अगर कोई बात बोली है तो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, बाकी आप कुछ भी करते रहो संसद में। अगली बात सुनो, महंगाई का बोझ भी यारो हंस कर हम ढो लेंगे, म्यूजिक हाँ तू बोला कर, महंगाई का बोझ भी यारो हंस कर हम ढो लेंगे, गर हिंदू पर आंख उठाई जड़ से ही खो देंगे, जड़ से ही खो देंगे, और छोड़ेंगे ना उसे जो भी करेगा दगा, ओरे पंजे हो ओरे पंजे तुझे कैसा छाया नशा, अरे हो जाएगी फिर से तेरी वो ही दशा। अब ये 99 सीटें आ गई तो सोच रहे हैं मोदी जी बिल्कुल डाउन हो चुके। अब अंतिम सुनो और मस्ती लेना प्रवीण भाई, आप भी, आप हमारे देश के तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे हो हमारे क्षेत्र का, लेकिन एक अच्छे व्यापारी नेता भी हो, समर्पित करता हूं के सूरज तो सूरज ही, मोदी जी के बारे में बताता हूं, सूरज तो सूरज ही रहेगा बादल क्या कर लेंगे, शेर के रहते कैसे मवेशी उपवन को चर लेंगे, सूरज तो सूरज ही रहेगा बादल क्या कर लेंगे, तरड़ टट्टा शेर के रहते कैसे मवेशी उपवन को चर लेंगे, अरे मोदी मोदी बोलेगा ये सारा जहां, ओरे पंजे हो ओरे पंजे तुझ पे कैसा छाया नशा, अरे हो जाएगी फिर से तेरी वो ही दशा, हिंदुओं पे बोलोगे तो देंगे मिटा, ओरे पंजे हो ओरे पंजे हो ओरे पंजे, हिंदुस्तान की गरिमा में चार चांद लगाने वाला, गौरवपूर्ण सनातनी परंपरा को निभाने वाला, प्राणियों में सद्भाव सहिष्णुता सौहार्द लाने वाला सच्चा हिंदू वही है। अगली लाइन, जो है भगवान शिव के अभय मुद्रा का राही, प्रभु राम के समरसता का सिपाही, विवेका गांधी के अहिंसा का पुजारी, सच्चा हिंदू वही है। हिंदू कभी नफरत नहीं फैलाता, हिंसा द्वेष का राग नहीं अपनाता, 10 सेकेंड, सियासत के लिए भाई को भाई से नहीं लड़वाता, इसलिए सच्चे देशभक्त हिंदू को अब आरएसएस भाजपा का ढकोसला नहीं। वाह, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ मेरे मित्र उपाध्याय जी को। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि राहुल गांधी कितने सालों से मंदिर जाना शुरू किया, इस चुनाव से उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया, उससे पहले वो मंदिर जाते नहीं थे, तो अब उनको इतने 6 महीने में भगवान शिव का अभय मुद्रा ध्यान आ गई। भगवान शिव की अभय मुद्रा को समझने के लिए पूरा एक जीवन चाहिए, केवल चित्र दिखा करके अभय मुद्रा समझ में नहीं आती।